हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप इस तरीके का ट्रेंडिंग ग्लोइंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो VN वीडियो एडिटर ऐप में। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना एंड जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो VN एडिटर में ग्लोइंग लिरिक्स वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको VN एडिटर को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास VN एडिटर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद इसको आप ओपन करना एंड यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे फोटो वाले सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको एक ब्लैक इमेज को सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास ब्लैक इमेज हो तब, ठीक है। अगर ब्लैक इमेज नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको कोई सी भी एक इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाली इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऐड कर देना, रैंडमली आप कोई सी भी इमेज को सेलेक्ट करके ऐड कर देना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो के लास्ट में आप आओगे तो यहाँ पे एक इनपुट टाइटल करके आता है, इसे आपको डिलीट कर देना है। देन आपको यहाँ पे एक प्लस वाला बटन दिखेगा बड़ा सा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये जो सेकंड पे आपको मिडिल में स्टॉक्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको ये थर्ड इमेज आपको ब्लैक वाली दिख रही है, इसको आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो ये ब्लैक इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक ब्लैक इमेज आ गई है। अब ये जो फोटो है ना इसे आपको डिलीट कर देना है, तो यहाँ पे हमको केवल इस ब्लैक इमेज का काम है, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके और यहाँ से आप रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, जैसा भी आप उसे करना चाहोगे तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं YouTube के लिए बना रहा हूं तो मैं 16:9 सेलेक्ट कर लेता हूं, ओके। अब फ्रेंड्स इस ब्लैक इमेज का आपको ड्यूरेशन बढ़ा के 10 सेकंड के आसपास रख देना है इस तरीके से, तो मैं इसको कर दे रहा हूं। देन आपको यहां पे म्यूजिक ऐड करना है क्योंकि म्यूजिक के अकॉर्डिंग ही सारी एडिटिंग होगी, ठीक है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए यहां म्यूजिक वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद म्यूजिक के ऊपर आपको क्लिक करके जस्ट आपको यहाँ पे माय म्यूजिक के ऊपर चले जाना है और यहाँ से आप अपने म्यूजिक को सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आप सर्च करके भी अपने म्यूजिक को सेलेक्ट कर सकते हो, मैं अपनी म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, तो म्यूजिक हमारा ऐड हो चुका है। देन अब फ्रेंड्स आपको अपने सॉन्ग को यहाँ पे सुनना है, तो इसे प्ले करो और सुनो। जो आपका यहाँ पे लिरिक्स होगा अब आपको उसे लिखना होगा, तो लिखने के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, देन ऐड ए हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी लिरिक्स होगा उसे आप यहाँ पे लिख देना। हमारा लिरिक्स है मैं जितना तुम्हें देखूँ मन ये ना भरे, कुछ इस तरीके का है, तो स्टार्टिंग वाला सिर्फ लिख देते हैं। मैं जितना तुम्हें देखूँ मैं टाइप कर दे रहा हूँ, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक FF का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे आपके सामने फॉन्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी एक अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना जो कि अच्छा लगे, जैसे कि ये वाला काफ़ी बेटर लग रहा है, ठीक है, ओले स्क्रिप्ट रेगुलर ये वाला। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, तो जो भी आपको परफेक्ट लगे उसको आप सेलेक्ट कर लेना एंड फिर यहाँ से डन कर देना, ओके। अब यहाँ पे इसके साइज को आपको थोड़ा सा छोटा कर देना है इस तरीके से, ठीक है। देन इसमें एनिमेशन ऐड करने के लिए जस्ट मोशन के ऊपर आप क्लिक करना, काफ़ी सारे यहाँ पे देखिए इस तरीके के आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। आप जस्ट इन एनिमेशन में ग्रेडियंट के ऊपर आप दो बार क्लिक करना इस तरीके से, तो कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे इसके ड्यूरेशन को बढ़ा देना है 1.3s तक, ओके। तो आपको यहाँ पे इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिलेगा, तो ये कितना कमाल का लग रहा है भाई। तो इतना काम हमारा हो गया। अब आपको आउट एनिमेशन में आ जाना है एंड यहाँ पे आपको फेड का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेना एंड इसके ड्यूरेशन को आप कर देना 0.3 सेकंड तक, ओके। एंड उसके बाद यहाँ से इसको डन कर देना, ठीक है। तो कुछ आपको ऐसा एनिमेशन देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब ये टेक्स्ट जितनी दूर तक होना चाहिए उतनी दूर तक आपको इसको रख देना है। तो हमारे सॉन्ग में मैं जितना तुम्हें ये यहाँ तक आ रहा है, तो इसे इतनी ही दूर तक रखना इस तरीके से, ओके। इसको अरेंज करने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट लिरिक्स के लिए इसी को आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है, मींस इसको आपको डुप्लीकेट कर देना है। तो इस तरीके से आप इसको कर देना, ओके। अब इस डुप्लीकेट को यहाँ से पकड़ के आपको आगे ले आना है और उसके बाद जो नेक्स्ट लिरिक्स होगा उसे आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहां पे लेयर के ऊपर क्लिक करके एडिट पे जाना और यहां पे जो पहले से ये लिखा हुआ है इसको आपको इरेज कर देना है।
उसके बाद देन नेक्स्ट लिरिक्स को आप लिख देना, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से उसके बाद डन कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके आप यहाँ पे पूरे लिरिक्स को लिख देना, मैंने आपको तरीका दिखा दिया है। उसके बाद सिंपली सा इसको आपको कर देना है एक्सपोर्ट, तो इसको एक्सपोर्ट कर देना एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे आप ग्लो इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके एंड यहाँ से रेजोल्यूशन को आपको 1080 कर देना है, FPS को आपको 60 रखना है और बिट रेट को 30 के आसपास पे करके जस्ट एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट यहाँ पे होने देते हैं, ओके। तो ये कंप्लीट देखिए यहाँ पे हो चुका। अब इसमें ग्लो इफेक्ट, रेन इफेक्ट एंड और भी जो इफेक्ट्स हैं उन्हें ऐड करने के लिए आपको बैक आ जाना है एंड अब आपको नोड वीडियो एडिटर को ओपन करना है। तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से सिंपली मिल जाएगी, तो इंस्टॉल कर लेना, ओके। अब आपको इसको ओपन करना है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखिए इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको जस्ट न्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और फिर वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप वीडियो को देखिए सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी आपने जो VN एडिटर से बनाया होगा उस वाली वीडियो को सेलेक्ट करके जस्ट ऐड कर देना, तो वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए ये वाइट वाला जो ये प्लस वाला बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पे एसेट स्टोर में आ जाना है और यहाँ पे आपको ग्लो स्कैन को सेलेक्ट कर देना है इस तरीके से, ओके। अब कुछ ऐसा आपके सामने देखिए ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको जस्ट यहाँ पे ग्लो कलर के ऊपर क्लिक करके जस्ट कलर को चेंज कर देना है। तो ये छोटा वाला यहाँ पे जो पॉइंटर है ना, इसे आप इस वाले साइड पे ले आना, ओके। उसके बाद ये जो बड़ा वाला है उसको यहाँ पे रख देना इस तरीके से थोड़ा नीचे करके, ओके। उसके बाद आप जस्ट यहाँ पे इसकी जो इंटेंसिटी है उसे इंक्रीज कर देना, तो 3.4 इस तरीके से आप इसको रख देना, ओके। और यहाँ से जो रेडियस को भी आप इंक्रीज कर देना 1.31 समथिंग यहाँ पे रख देना इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों काम आपका यहाँ पे कर देना इसको। उसके बाद आप यहाँ से इसे क्लोज कर दो, देन उसके बाद आपको यहाँ पे रेन ड्रॉप इफेक्ट ऐड करना होगा। तो उसे ऐड करने के लिए फिर से आपको इसी वाइट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और एसेट स्टोर में आ जाना है और नेचर में इस बार आपको जाना होगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे आपको रेन ड्रॉप इफेक्ट मिलता है, ओके। तो रेन ड्रॉप्स को यहाँ से सेलेक्ट कर देना इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए स्टैटिक 2 है, इसे आपको ऑफ कर देना है और डायनेमिक को यहाँ पे आपको ऑन कर देना है, सिर्फ इतना काम कर देना है। देन आप यहाँ से थोड़ा बहुत इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, लगभग 1.21 रख देना, ओके, इस तरीके से। फिर आप इसे क्लोज कर दोगे तो देख पाओगे कुछ इस तरीके का हमारा जो वीडियो है वो बन चुका है, ठीक है। अब इसमें एक और इफेक्ट होता है ना, उसे ऐड करने के लिए फिर से इसे आपको यहीं पे प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद एसेट स्टोर में आ जाना है और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही लाइटन वाले सेक्शन में ही यहाँ पे जो फ्लेयर है ना इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट कर देना, कुछ ऐसा आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए काफ़ी बेकार लगता है शुरू में, बट इसे आपको एडिट करना होगा थोड़ा। तो यहाँ से आप थ्रेशोल्ड को कम ज़्यादा करके देख लेना इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग। तो आप इसको 1 पे रखना तो ज़्यादा सही रहेगा, बिल्कुल ठीक तरीके से ये दिखेगा भी, ओके। अब आपको यहाँ पे इंटेंसिटी को यहाँ पे आपको 0.9 पे रख देना है, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहां से क्वालिटी को यहां पे 9 पे रख देना इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद यहां पे आपको एक लेंथ का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप कम कर देना, तो 0.93 पे ये एडजस्ट यहां पे कर देते हैं इसको, तो आप भी ऐसे ही कर देना, ओके। तो अब ये हो गया। तो इस तरीके से करके आप अपने वीडियो को बना सकते हो। उसके बाद आप प्ले करके भी आप देख पाओगे, आराम से आपको दिख जाएगा सारा इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ये जो रेजोल्यूशन है इसको आप 1080p पे ज़रूर से सेलेक्ट कर देना, तो वीडियो हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट होगी, ठीक है। देन उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, अपनी वीडियो को यहाँ पे सेव कर लेना, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है इसे क्रिएट करना, आई होप आपको हर एक स्टेप पता चल चुका है। अब आप आराम से वीडियो को एडिट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, आपके भाई का चैनल है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।